माता धर्मता के शिला पर स्थित है भगवान विष्णु का पदचिन्ह। माता सीता ने किया था यहाँ पिंडदान। इंदौर की महारानी अहिल्याबाई द्वारा करवाया गया था इस मंदिर का निर्माण। गया के इस मंदिर में है भगवान विष्णु का दाहिना पैर का निशान। नमस्कार, मैं प्रिया, स्वागत है आपका पर्यटक बिहार में। आज हम गया जिले के सबसे लोकप्रिय पर्यटक स्थल विष्णुपद मंदिर के बारे में जानेंगे। बिहार का गया जिला हिंदू और बौद्ध धर्म के लिए काफी प्रमुख स्थान में से एक है, साथ ही सनातन धर्म के लिए यह मोक्ष की नगरी है। इसी मोक्ष की नगरी गया में फाल्गु नदी के किनारे पर स्थित है विष्णुपद मंदिर। इस मंदिर का इतिहास काफी पुराना माना जाता है। वैसे तो गया को सनातन धर्म तीर्थ का अद्भुत महत्व माना जाता है। हालांकि गया तीर्थराज प्रयाग, ऋषिकेश और वाराणसी की तरह सात पुरियों में शामिल नहीं है, लेकिन इस स्थान को स्वर्ग का द्वार माना जाता है। पितृपक्ष के अवसर पर गया में पितरों को तर्पण आदि देने के लिए देश के साथ साथ विदेशों से भी लोग यहां आते हैं। ऐसा मान्यता है कि सर्व पितृ अमावस्या के दिन गया में पितरों को पानी देने से उन्हें तृप्ति मिलती है। साथ ही गया को विष्णु स्थान के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ भगवान विष्णु का चरण पद है और इस स्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण भी करवाया गया है, जो विष्णु मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा कहा जाता है कि धर्म का आधार होने के कारण इस मंदिर को धर्मशिला नाम से भी जाना जाता है। पूरे विश्व में विष्णुपद मंदिर एक ऐसा स्थान है जहां भगवान विष्णु के चरण का साक्षात दर्शन होता है। विष्णुपद मंदिर में भगवान विष्णु का चरण चिन्ह ऋषि मारीचि की पत्नी धर्मोता की शिला पर है। इस मंदिर से पौराणिक कथा भी जुड़ी हुई है, जिसके अनुसार गयासुर नाम का एक राक्षस को वरदान मिला था कि जो भी उसको देख लेगा उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी, जिसे राक्षसों ने गयासुर का दर्शन करके मोक्ष का प्राप्त करना शुरू कर दिया। यह सब देखकर भगवान विष्णु को बहुत ही क्रोध आया और विष्णु ने अपने दाहिने पैर से गयासुर का चिन्ह चट्टान पर दबा दिया, जिससे भगवान विष्णु के पैर का निशान उस चट्टान पर पड़ गया, जो आज भी है। और इस मंदिर के पूरे स्थान को गयासुर का शरीर माना जाता है। ऐसा भी माना गया है कि मंदिर के परिसर में भगवान का चरण जिस शिला पर है वह ऋषि मारीचि की पत्नी माता धर्मता की शिला पर है, जो गयासुर को स्थित करने के लिए धर्मपुर से लाया गया था। तभी से इस स्थान पर भगवान विष्णु की पूजा किया जाता है। वैसे इतिहासकारों का कहना है कि जो विष्णुपद मंदिर आज गया में अवस्थित है, इसका निर्माण इंदौर की महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 1787 ईस्वी में करवाया था। मंदिर के परिसर की बात करें तो मंदिर के गर्भगृह में भगवान विष्णु का 40 सेंटीमीटर लंबा पदचिन्ह है। साथ ही मंदिर के परिसर में चांदी का अष्टकोण कुंड है। वहीं मंदिर की ऊंचाई की बात करें तो लगभग 100 फीट ऊंचा यह मंदिर है। मंदिर के साथ मंडप में 44 पिलर है। ऐसा माना जाता है कि मंदिर का निर्माण जयपुर के शिल्पकारों द्वारा तराश कर काले ग्रेनाइट पत्थर से करवाया गया था। मंदिर के परिसर में प्राचीन धूप घड़ी भी है, जो लगभग 150 साल पुराना है। साथ ही मंदिर के परिसर में कई छोटे छोटे मंदिर हैं। इसके अलावा मंदिर के शिखर पर 50 किलोग्राम सोने के कलश को स्थापित किया गया है। वहीं मंदिर के ऊपर सोने से बनी ध्वजा और मंदिर के परिसर में 50 किलोग्राम चांदी का छत्र और अष्टपटल को भी स्थापित किया गया है। मंदिर का प्रवेश द्वार और निकास द्वार चांदी का ही बना हुआ है। वहीं मंदिर की विशेषता की बात करें तो मंदिर से रामायण काल की घटना क्रम भी जुड़ा हुआ है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान राम अपने पिता की मृत्यु के बाद माता सीता के साथ आए थे और माता सीता ने महाराज दशरथ को फाल्गु नदी के किनारे बालू का पिंड बनाकर दान किया था। तभी से लेकर आज तक यहाँ बालू का पिंड बनाकर ही दान किया जाता है। हर साल पितृपक्ष के महीने में देश के कोने कोने से लोग पिंड दान करने आते हैं। धार्मिक मान्यताओं को मानने वालों का ये कहना है कि इस मंदिर में भगवान का दर्शन करने से मानसिक शांति मिलती है। मंदिर के आसपास के पर्यटक स्थल के बारे में बात करें तो पूरा गया जिला एक प्रचलित पर्यटक स्थल में से एक है। यहाँ मंगला गौरी मंदिर, महाबोधि मंदिर, रत्नाघारा, तिब्बत मठ, डुंगेश्वरी मंदिर, मुंचलिंदा सरोवर, जामा मस्जिद, शाही भूटान मठ जैसे अनेकों खास पर्यटक स्थल हैं। साथ ही विष्णुपद मंदिर से सटे कई मंदिर हैं, जिसमें से एक है गदाधर मंदिर, जहां भगवान विष्णु को गदाधर रूप में पूजा किया जाता है। शहर के प्रारंभ में ही गयेश्वरी मंदिर है, जो गया शहर का प्रतिनिधित्व करता है। तो वहीं गया का यह विष्णुपद मंदिर धार्मिक स्थल होने के साथ साथ पर्यटक स्थल भी है। हर साल यहाँ तीर्थयात्री और पर्यटक का भारी जमावड़ा रहता है। गया में जितने भी लोग पिंडदान करने आते हैं, सभी भगवान विष्णु के पदचिन्ह मंदिर यानी विष्णुपद मंदिर का दर्शन करने जरूर आते हैं। खास तौर से उत्तर भारत की सांस्कृतिक नगरी गया को फाल्गु नदी के तट पर भगवान विष्णु के विशाल पदचिन्ह सनातन धर्मियों के लिए पूज्य है। गया ट्रेन, फ्लाइट और राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ा हुआ है, जिससे आसानी से यहाँ का यात्रा करना संभव है। इसलिए अगर आप भी गया के विष्णुपद मंदिर का दर्शन नहीं किया है तो एक बार जरूर जाएं। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।